सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने किया। प्रेस वार्ता, निरंजन तांती एवं धनंजय यादव हत्याकांड में तीन की गिरफ्तारी बता दें। सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने प्रेस वार्ता कर हत्या मामले का उद्भेदन किया। निरंजन तांती एवं धनंजय यादव हत्याकांड में शामिल तीन आरोपी को स्पेशल टीम के द्वारा मिर्जापुर से गिरफ्तारी की गई। दोनों हत्याकांड के आरोपी कैलाश धिक्कार, दुखनी देवी और करण धिक्कार शामिल हैं, जिसमें कैलाश धिक्कार कांड संख्या 23/23, निरंजन तांती एवं कांड संख्या 181/23 धनंजय यादव हत्याकांड में शामिल है। वहीं डीएसपी ने बताया कि दोनों हत्याकांड में जितने भी नामजद है सभी की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। ये झरिया में कुल दो कांड हुआ था, एक 23/23 और एक 181/23। 23/23 19 जनवरी की घटना है, जिसमें दो पक्षों के बीच में सिंहनगर में मारपीट हुई थी। उसमें दोनों तरफ से FIR हुए थे और दोनों तरफ मतलब कई लोग जेल भी गए थे, कुछ लोग फरार थे, उसमें कुछ की गिरफ्तारी हुई है। और ये अभी रिसेंट में एक आठ को केस हुआ था 181/23 धनंजय यादव की हत्या के, सिंहनगर के रहने वाले धनंजय यादव, चूँकि उस केस में भी ये अभियुक्त थे और कहीं ना कहीं उस घटना से भी इस घटना का कोई ताल्लुक था, तो क्योंकि दोनों पक्ष दोनों घटनाओं में लगभग थे, तो उसी क्रम में ये गिरफ्तारी की गई। पहले भी गिरफ्तारी की गई, धनंजय यादव में तो एक गिरफ्तारी जो मेन षड्यंत्रकारी थे उनको पहले गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है, और भी कुछ लोग नेम्ड थे तो वो लोग भागे हुए थे। तो हम लोग, हमारी टीम इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो कि कई जगहों पर छापामारी की, मिर्जापुर में भी जाके बाद में पता चला कि जो अभियुक्त हैं वो लोग, उनका स्थायी निवास था मिर्जापुर का है। मिर्जापुर में इससे पहले भी हमारी टीम गई थी तो उस समय उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर रिसेंट में हम लोग को खबर मिला कि वहाँ की टीम, मतलब वहाँ पर लोग की गतिविधि देखी गई है, तो हम लोग एक टीम भेजे और वहाँ के पुलिस के सहयोग से तीन लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैलाश धिक्कार, दुखरनी देवी और करण धिक्कार। ये तीनों लोग जो जनवरी की घटना है इसमें ये तीनों लोग वांटेड थे, और ये कैलाश धिक्कार जो है वो अभी जो धनंजय यादव की जो हत्या हुई है इसमें भी ये नामजद थे और इनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, कैलाश धिक्कार दोनों कांड में थे और बाकी ये जो ऊपर के जो बाकी तीनों लोग हैं वो लोग इससे पहले जो जनवरी में जो घटना हुई थी उसमें शामिल थे ये लोग। और लोग की गिरफ्तारी होनी है, वो लोग भागे हुए हैं, पुलिस के डर से भागे हुए हैं, पुलिस छापामारी कर रही है और नज़र रखें जैसे ही वो लोग, क्योंकि थोड़ा साथी क्रिमिनल हैं, वो लोग लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं तो पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन लोग की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये इन लोग आपसी रंजिश है, चूँकि एक ही मोहल्ले के लोग रहने वाले हैं, अगल बगल का कई बिंदुओं को लेकर लोगों के बीच में मतभेद रहता है, इसी क्रम में घटना को अंजाम दिया गया है। ये मिर्जापुर से गिरफ्तारी हुई है। हाँ, दो पुरुष हैं, एक महिला है। लोकल में सिंहनगर का रहने वाला है लोग, सिंहनगर गुलगुलिया पट्टी का है, वहाँ का रहने वाला है लोग। राम बाबू धिक्कार भी भागा हुआ है और ये चंदन धिक्कार उसी का रिश्तेदार भी है। श्याम बाबू तो ये कैलाश धिक्कार भी उसका रिश्तेदार ही लगेगा, और बाकी लोग भी, राम बाबू की भी गिरफ्तारी जल्द होगी क्योंकि अभी वो फरार चल रहा है, इधर उधर लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है। जल्दी हम लोग यूपी पुलिस के भी टच में हैं, उनसे भी लगातार संपर्क में हैं, जैसे ही उनकी कोई भी गतिविधि होगी हम लोग जरूर उनको भी गिरफ्तार करेंगे। ये महिला, चूँकि जनवरी में जो कांड हुआ था इसमें चूँकि एक घर पे चढ़ के मारपीट हुआ था, तो इसमें महिला पुरुष बच्चे सारे लोग मिलजुल के अपना, हाँ, निरंजन ताती वाले मामले में उसमें था। निरंजन ताती में तीनों है और संजय, अरे ये धनंजय यादव वाले में एक है, कैलाश धिक्कार है ना, वो देखा जा रहा है, अभी तो होगा ही अपराधी की, कैलाश धिक्कार का तो होगा ही होगा, और बाकी लोग का क्या है अभी हम लोग, और इसका अभी चूँकि हम लोग रात में ही लाए हैं, जल्द ही इनको हमको रिमांड पे हमको वापस भी करना है, रिमांड पे जमा भी करना है, क्योंकि रिमांड पे लाएं फिर हम लोग को इनको इनसे पुलिस कस्टडी में लेके हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे, तो आगे का और कुछ पता चलेगा तो आप लोग को बताएंगे।